सो हेलो गाइज, हाई वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो गाइज़, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ मुंबई। मैं रूम में ब्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज मेरा फ़्लाइट है 9:45 का और पैकिंग करना था, बहुत काम था। मैं मील भी बना के जाके कैरी कर रहा हूँ, सो मील भी बैग में पैक है। एंड अभी मैं बस अपने लैपटॉप को लेके बैठा हूँ। तो अभी बज रहे हैं 8:14, सो मोस्टली और 15 किलोमीटर है, तो 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। और कॉम्पिटिशन तो 4 मई को है, बट थिंग इज़ कि मुझे पोजिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी और मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे रहूँ देहरादून में और ट्रेनिंग करूँ। साथ ही साथ मैं अगर मुंबई में पहले ही शिफ्ट हो जाता हूँ तो वहाँ का खाना पानी सब चीज़ अडॉप्ट हो जाएगा, तो एक मेरे लिए अच्छा डील था। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। और 17 तारीख है, मैं निकल चुका हूँ देहरादून से मुंबई की तरफ। तो 12 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा मुंबई एयरपोर्ट। और बस वही है, ट्रेनिंग कल मैंने कर ली थी और आज का ट्रेनिंग तो सुबह कुछ नहीं किया हूँ, फास्ट एड कार्डियो भी नहीं किया हूँ। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया एंड मैं निकल गया हूँ। तो चलते हैं, अभी एयरपोर्ट पहुँचते हैं, चेक इन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाकी गाइस, भैया यूपी के हैं और भैया को बधाई देता हूँ, भैया ने नई गाड़ी ली है, बधाई हो भी आपको। थैंक यू। और आ गए हम लोग ऑलमोस्ट एयरपोर्ट। भैया भी यूपी से ना भी आप? बिजनौर। बिजनौर से। तो बढ़िया, जल्दी जल्दी आ गए भैया, आराम से लेके आए। परसों भैया के साथ एक सीन हो गया था, कोई क्लाइंट जा रहा था एयरपोर्ट तो उनका शायद लेट हो गया था, तो भैया का बोला कि स्पीड में ले चलो। तो एज एन कस्टमर को ये करने के लिए भैया भी स्पीड में चल गए और उनको आप पहुंचा दिए थे ना टाइम पे पहुंचा दिए। बट फिर कल मैसेज आता है कि ओवर स्पीडिंग के लिए 2,000 रुपये लग गए। तो अब वो तो क्लाइंट को ढूंढ नहीं पाएंगे भाई। क्या आपको आपके पॉकेट से गया ना फिर वो? तो भैया का लॉस हो गया। और ये नया गाड़ी है देख लो भाई, 3 महीने पहले ली है भैया। 3 महीना भी नहीं हुआ हमको लग रहा है। नहीं, 3 महीने नहीं। 3 महीने तो आप इधर आए हो देहरादून में ना, कितना टाइम हुआ? 2 महीने। अच्छा, तो भाई दिस इज थिंग कि आप कुछ अर्न करते हो फिर वो चले जाता है आपके पास से, बुरा लगता है। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, उसमें ही सीखना है और उसी में आगे बढ़ना है। तो भाई एयरपोर्ट आ गए हम लोग, अब चेक इन करते हैं बिकॉज इट्स 8:30 तक चेक इन कर लेते हैं और फिर बैठेंगे 1 घंटे, स्टेप्स करते हैं थोड़ा। चलो गाइस, बोर्डिंग वगैरह सब चीज़ हो चुका है और मैंने आपको दिखाया 16 kg आ गया था। और आप अगर फ्लाइट में जाते हो तो पता है आपको 15 kg तक अलाउ रहता है, बट वो भाई ने बॉडी वॉडी देख के बोला भैया बॉडी फिजिक अच्छी है, और फिर बोला कि भाई 1 kg है मैं छोड़ देता हूँ। तो बॉडी बनाने का ये फ़ायदा है, देख लो। मुझे पता, वो मुझे जानता भी नहीं था, बट फिजिक वगैरह देखा, बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मैं बताया भाई कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ, तो बोला छोड़ दिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ, 9:45 में फ़्लाइट है, तो सारा बैग पैक हो गया है। एक टेंशन रहता है यार, पूरा कैमरा निकालो, लैपटॉप निकालो, फिर से उसको पैक करो, बट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई है। एंड अभी मुझे फिर से भूख लग गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ एक थोड़ा सा मील खा लूँ एंड फिर सो जाऊँगा थोड़ा फ्लाइट में। अगर फ़्लाइट में जगह रहा तो आपको थोड़ा सा शॉट दिखाऊँगा। अब देखता हूँ विंडो सीट मिलेगा तो आपको थोड़ा क्लिप दिखा पाऊँगा, और एल्स देखते हैं। लेट्स गो, चलते हैं। और सारा काम फटाफट हो गया है और गॉड ग्रेस टाइम पे आ गए, सब चीज़ हो गया। चलते हैं। सुबह नसीब अच्छा है, विंडो सीट मिला है, ठीक है। ये देखो, तो चलते हैं और अब आपको क्लिप भी दिखाएंगे।
सो गाइस मुंबई पहुंच गए हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ कितना सामान लेके आया हूँ मैं। ये देखो भाई, ये पूरा मेरा है। तो अब चलते हैं मुंबई। ऑल्सो भाई, हम हर समय सोचते हैं कि भाई कम सामान लेके जाएंगे, कम सामान लेके जाएंगे, लेकिन बहनचो इतना सामान लेके चले जाता हूँ मैं। बट अब भाई जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ देखते हैं, इतना सामान सेटल करके 15-20 दिन रुकना है। तो अब मैं वो सोच रहा हूँ, कम लेता हूँ फिर भी ज़्यादा हो जाता है। चलो अब कैब बुक करते हैं फटाफट। अभी सोच रहा हूँ जिम चल जाऊँ डायरेक्ट, देखते हैं क्या प्लान बनता है। सो गाइस पहुँच गए मुंबई, और भाई मुंबई में पहुँचते पहुँचते मुझे देहरादून का मौसम बहुत मिस हो रहा है भाई। यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस है और ये 3-4 दिन से भैया जैसे बता रहे हैं तो गर्मी बहुत है। वो मतलब जैसे मैं फ्लाइट से उतरा भी यहाँ तो वो हवा चल रहा था, वो लू जिसको बोलते हैं। तो अभी तो भाई 12 बज रहा है, 2-3 बजे तो सोचो क्या होता होगा। तो टफ है, और इसी टफ चीज़ में 15 दिन यहाँ पर अब करना है वो तो और टफ होगा। बट लेट्स सी, आए तो करेंगे। और ये बढ़िया सा मौसम है, तो अभी चल रहे हैं रूम। एंड मेरा प्लान है अभी 1 घंटे में जिम जाने का, तो मील मैं कैरी कर रहा हूँ, मील अभी खा लूँगा, वो प्री वर्कआउट मील होगा। तो रूम जाके नहा के डायरेक्ट जिम चलते हैं। सो गाइस शाम हो चुका है और अभी निकल रहा हूँ मैं जिम। आज से डेली ब्लॉग आएगा बिकॉज कॉम्पिटिशन 17 दिन बाद है। एंड भाई बहुत गर्मी है, जो झारखंड के लोग दिल्ली के लोग हैं वो समझ सकते हैं, बहुत गर्मी है। मतलब मैं नहाया और पसीना आने लगा। ये ट्राईपॉड है, ये जिम बैग है। तो अभी जा रहे हैं जिम, आज करना है लेग डे। एंड सुबह से बस मेरा 3000 स्टेप्स हुआ है, 20,000 करना है, तो बहुत लंबा चलने वाला सेशन। तो फटाफट चलते हैं जिम, पहले करेंगे लेग डे। एंड लेग डे के बाद स्टेप्स करना मतलब थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाता है, बट कोई नहीं, करना है तो करना है भाई। इतना दूर आए हैं घर से, इतने दूर, दूसरा सिटी ये साल मुझे लग रहा भाई, ये तीसरा सिटी है, पुणे, देहरादून, मुंबई। भाई कहीं तो रीच दिला दो भगवान, कब मुझे थोड़ा सा ऊपर पहुंचाओगे। बट मेहनत करना है, चल रहे जिम, और जिम में फिर वापस बात करते हैं। वेलकम बैक, और मैं जिम आ गया हूँ। प्लान आज है लेग डे करने का, फुल लेग रहेगा, तो 5 से 6 वेरिएशन करना है मुझे लेग्स की। एंड आपको जैसे पता है कि जब कॉम्पिटिशन नज़दीक आता है, बहुत नियर बाई आता है, तो हम लेग्स ट्रेनिंग करना अपना छोड़ देते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ पता नहीं था, मैं तो लास्ट वीक का ट्रेन किया था। बट आई थिंक बॉडी बिल्डर टू बॉडी बिल्डर है, और मेरे कोच ने बोला है कि नहीं करने के लिए, तो आज तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है आज करना। सो ऊपर से मैंने ट्रैवल किया है, तो आज सुबह सिर्फ 3000 स्टेप्स हुए हैं, तो वो भी कंप्लीट करना है मुझे 20,000। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:40, 7 बज रहा है। मैं इतना लेट बहुत टाइम बाद ट्रेन कर रहा हूँ, जब घर में था तब करता था, देहरादून में नहीं था सीन। बट अभी मुंबई में हूँ, तो जो भाई के साथ हूँ वो लोग 5-6 बजे जिम आते हैं, तो उनके साथ ही आना पड़ता है। तो मैं अब से ये प्लान रहेगा कि ये टाइम पे मैं करूँगा, और बढ़िया है मेरे लिए क्योंकि मैं सुबह कार्डियो करने में थक जाता था, और मील रेस्ट सब चीज़ हो पाएगा, और मैं ट्रेनिंग में अच्छा पुश कर पाऊँगा। तो ये रहेगा कि मैं घर जाके अपना स्टेप्स करने का प्लान से निकाल दूँगा दिमाग से, मैं जो भी करूँगा अपना स्टेप्स यहाँ पर कम्प्लीट करके जाऊँगा। तो बढ़िया है, जिम एक्सप्लोर नहीं किया हूँ अभी, आप किससे पहले बात कर रहा हूँ। अर्निच प्री वर्कआउट बनाना है, जो कि है इंडिया का बेस्ट प्री वर्कआउट। ऑल्सो अगर आप बिग मसल के वेबसाइट से कुछ भी खरीदते हो तो BM को नाल यूज़ करना मत भूलना। एंड इसको पीते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग, लेट्स गो। गाइस आपका स्वागत है एक नए जिम में, मुंबई का ये जिम है, और आप नेक्स्ट 17 डेज आप मुझे यहाँ पर ट्रेन करते हुए दिखोगे। सुबह में कार्डियो करते दिखोगे, शाम में वेट ट्रेनिंग करते हुए दिखेगा। थोड़ा आदत डाल लो, और ये वॉइस के साथ में करना पड़ेगा, कमर्शियल जिम है भाई। तो एक अच्छी चीज़ है, ये पूरा सेक्शन लेग का है, और लेग का उन्होंने एक सेक्शन बना के रखा है, तो लेग्स में बहुत कम लोग हैं आज। और मैं पहला एक्सरसाइज कर रहा हूँ एक्सटेंशन और लाइंग कर्ल, ये दोनों का 3 से 4 सेट करूँगा। उसके बाद मुझे स्क्वाट्स करना है, तो ये मैं पहले क्यों कर रहा हूँ, सो दैट ब्लड फ्लो बॉडी में चले जाए, मसल में, एंड उसके बाद मैं कंपाउंड लिफ्ट करूँ। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शॉर्ट्स में आया हूँ ट्रेनिंग कर रहे हैं लेग्स, बिकॉज आपको पता है पैर में भी चोट सही नहीं हुई है। तो 20 रेप इसके करता हूँ, 4 सेट, ये मेरा दूसरा सेट था। एंड अलग फील आ रहा है, अलग मोटिवेशन आ रहा है,
क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, जिम जाता हूँ, नो क्लब्स, नो रेस्टोरेंट्स, मुझे कोई घूमने का शौक़ नहीं, बस जिम आऊँ। मैं बता रहा हूँ, ये जिम में बहुत मशीन है जो मुझे एक्सप्लोर करना है, तो मेरे साथ जो भाई आया है उससे पूछूंगा मैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो दिखाता हूँ, बढ़िया मशीन है। सो गाइस, ये एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा था, मुझे पता नहीं था तो मैंने भाई को बुलाया, पूछा हूँ और अब करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली सिंगल लेग भी कर सकते हैं और ये मशीन मैं पहली बार देखा हूँ, तो जिम ओनर को हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया मशीन है। ओ भाई, कॉन्ट्रैक्शन, फाइव, सिग्नल करके देखता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। सो बढ़िया था, 5 kg, मुझे लग रहा वेट बढ़ाना चाहिए, सो 4 sets करूँगा, 15-15, 30 kg तक। एंड इसके बाद है स्क्वाट, स्क्वाट में बम्पर प्लेट है तो कोशिश करेंगे 160 जाने का, क्योंकि दूसरे के जिम में आया हूँ तो थोड़ा वेट तो मारना पड़ेगा। बट मैं नी स्लीव नहीं यूज़ कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग पर अपने, नो नी स्लीव, ओनली हार्ड कोर ट्रेनिंग, ओपन नी। सो पहले 5 था, अब 10 लगा रहा हूँ, तो 15 kg हो गया भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना मशीन देख के ना मुझे जो खुशी हो रहा है, एक बच्चे को जू जाके या प्ले स्टेशन जाके खुशी मिलता है, कोई बंदों को या बंदियों लड़कियों क्लब जाके मिलता है, मुझे वो हैप्पीनेस आज यहाँ मिल रहा है चेहरा में। मतलब जो आज मन नहीं था, क्योंकि मैं ट्रैवल करके आया हूँ, सुबह 5 बजे उठ गया था क्योंकि मील बनाना था, और जब भी आप ट्रैवल करते हो, फ्लाइट से ट्रैवल करते हो, तो भाई दिमाग में रहता है कि फ़्लाइट छूट जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो, तो वो दिमाग में सो नहीं पाया। बट फिर भी देखो एनर्जी लेवल, इसलिए बोलते हैं जिम से प्यार करो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ओह बढ़िया बढ़िया पंप आ रहा। पर 2 exercise हो गया कंप्लीट और 3 exercise करना है, मशीन बहुत बढ़िया है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे 2 weeks लगेगा, 2 weeks सारे मशीन को ट्राई करने में, तो बहुत सारे मशीन हैं। और अगर ऐसा हुआ तो एक, मतलब आपको पता है कौन सा वीडियो आएगा जिम टूर का, आप कमेंट करके बताओ कि आपको देखना है कि नहीं भाई, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वर्थ इट रहेगा दिखाना, एंड उनके लिए भी रहेगा क्योंकि बहुत बढ़िया जिम है। तो अब स्क्वाट करना है, स्क्वाट मैं अब रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने नी स्लीव क्यों नहीं लाया, बट ठीक है करते हैं। 5 से 6 reps, इतना लोड में लेके जाऊँगा जितना मैं 5 से 6 reps निकाल सकूँ। सो एश टू ग्रास करना है, डेप्थ के साथ करना है, एंड रिक्स नहीं लेना इंजरी का, बिकॉज मैं 0 carbs में हूँ 11 तारीख से, आज 17 तारीख हो गए, तो 1 week होने वाला है। तो बाकी एनर्जी बॉडी में कैसे आ रहा है पता नहीं, प्रेप का जोश है, बॉडी का डेफिनेशन अच्छा दिख रहा है इसलिए हो रहा है, इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ इतना इस गेम के लिए, बाकी मिलने जाने वाला कुछ है नहीं। बट अपने आप में सेटिस्फैक्शन ये रहता है कि भाई एक एथलीट हूँ मैं, तो उस चीज़ को लेके सोच रहा हूँ। तो फटाफट और एक सेट है वो करते हैं, एंड देन आपको स्क्वाट मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस तीसरा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, दैट इज स्क्वाट। अब मेरा लेग कर्ल एक्सटेंशन हो चुका है 4 sets, तो हैमस्ट्रिंग भी पंप हो गया, कर्ल से आगे की तरफ क्वाड्स भी पंप हो गया, अब करना है स्क्वाट, तो देखते हैं कितना करेंगे। मैं नी स्लीव नहीं लेके आया हूँ, बेल्ट लेके नहीं आया हूँ, तो एक बेल्ट मिला है मुझे, दैट इज ये बेल्ट, और 5 sets करेंगे, जो टॉप रहेगा वो आपको दिखाते हैं। था 60 kg, आज मेरा मन नहीं कर रहा इतना मशीन देख के स्क्वाट करने का,
बट अगर स्क्वाट नहीं करे तो भाई लेग्स क्या ट्रेन करोगे? अब मुझे पता है कि एक या दो और सेशन है इस लेग्स का, उसके बाद मुझे लेग्स का ट्रेनिंग करने मिलेगा नहीं, सो इसलिए कर लेता हूँ। सो गाइस सेकंड सेट है और 100 kg लग गया है, ठीक है। तो बढ़िया आया, 3 plate अब, ठीक है। ये जिम के बारे में मैं धीरे धीरे कुछ कुछ और जानने लगा हूँ। ये जिम दिन भर खुला रहता है, रात भर खुला रहता है, मतलब 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, रात में 4 बजे आओ, सुबह जिम विल बी ओपन। बढ़िया है भाई जगह। सो करते हैं 6 लगाते हैं तीसरा प्लेट 60। लेट्स गो। बार अभी बेंड हो गया। तो गाइस ये है 4th एक्सरसाइज, दैट इज सीटेड रिवर्स कर्ल, और मैंने लाइंग कर लिया है। अब स्क्वाट के बाद मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ क्योंकि पंप हो चुका है एंड मेरे अंदर अब ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बिकॉज मैंने स्क्वाट में 3 plate किया, 5 reps, सो बेल्ट भी सही नहीं था, नी स्लिप भी नहीं था। तो इसके बाद मुझे स्ट्रेस भी करना है एंड एब स्ट्रेन करना है। तो अभी मैं इसके बाद और एक एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद एब स्ट्रेन करूँगा, देन एक मील लूँगा, दैट इज 5 to 6 एग वाइट्स, एंड उसके बाद आधे घंटे बाद फिर यहीं पे कार्डियो भी कर लूँगा। सो ये देख लो, करते हैं इसको। ब्रो यू कैन गो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, 13, 14, मतलब मुझे एक भी ऐसा मशीन नहीं लग रहा है गाइस जिसमें मुझे पंप फील नहीं हो रहा। बाकी बढ़िया, जिम इज गुड, पावर लिफ्टिंग के नहीं, किसी को बॉडी बनाना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना है, सो भाई बढ़िया। और ये कुछ अलग पानी नहीं है, दैट इज BCAA, मैं इंट्रा वर्कआउट में ही पीता हूँ। लेट्स गो। अब इतना मशीन मिलने के बाद भी अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो इसे मेरी गलती है। तो एवरी रेप में सोच रहा हूँ 1-2 रेप ज़्यादा करूँ, एवरी एक्सरसाइज में सोच रहा हूँ 1 सेट ज़्यादा कर लूँ। सच में इतना अगर फैसिलिटी होने के बाद मैं अगर अच्छा बॉडी फिजिक नहीं लाता हूँ, अपने आप को बेटर नहीं बनाता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं यार। तो करना इंप्रूव, लेट्स गो। ये मैं सेल्फ मोटिवेशन खुद से लाता हूँ, किसी को देख नहीं रहा हूँ, किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मुझे अभी भी वो चीज़ दिमाग में आ रहा है कि मैं मेडल लेके घर जा रहा हूँ, मम्मी को पहनाना है, तो ये एक सपना है। बहुत टाइम हो गया पावर लिफ्टिंग के बाद मैं मेडल जीता नहीं हूँ, सो वो दिन थोड़ा सा वापस लाना। करेंगे, मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा। गाइस ये है लास्ट एक्सरसाइज वो होने वाला लेग्स का, स्टैंडिंग काफ रेजेस, सीटेड काफ रेजेस भी है, बट मैंने 3 दिन पहले 13 दिन के जिम में लगाया था, सो मैं वो लगा नहीं रहा हूँ, ये कर रहा हूँ क्योंकि नया मशीन है, अलग तरीका से हिट करना है मसल को। तो देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हाँ। लेग्स के बाद 20 स्टेप्स बहुत मुश्किल होने वाला है, तो के लिए तोड़ना है बॉडी को, फेलियर तक पुश करना है, वो कर रहे हैं। सो गाइस वर्कआउट हो गया कंप्लीट, और लास्ट में एज यूजुअल पोजिंग। तो आज से आपको एवरी वीडियो में पोजिंग मिलेगा, एंड आपको डिफरेंस में समझ में आने लगेगा कुछ दिनों में कि फिजिक में कितना चेंजेस हो रहा है। कल शायद मुझे सुबह करना है ट्रेनिंग, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कल के वीडियो में। बाकी ट्रेनिंग के बाद मैंने अभी 20 मिनट्स वॉक किया है, बट मेरा अभी 6,500 स्टेप्स हुआ है,
तो यहाँ से रूम है वो है 2.1 किलोमीटर, तो मैं वॉक करके जाऊँगा सो दैट थोड़ा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे आज का रील डालना है जो मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉग कर रहा हूँ, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो कुणाल लिफ्ट चैनल है, जाके फॉलो कर लेना। तो गाइस यहाँ पे वो वीडियो कंप्लीट आज का, आज था डे 17, अब हम लोग उल्टा चलेंगे, डे 16 टू 1 का जर्नी आपको दिखाएंगे, कंपटीशन डे का जर्नी दिखाएंगे, तो 17 दिन डेली वीडियो आएगा। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सा टाइम में आएगा, आई एम प्लानिंग कि 12 से 3 के बीच में मैं कर दूँ वीडियो, ठीक है, तो मैं ये सब काम अपना रात में कर लूँगा और सुबह 12 से 3 आपको एवरी डे मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एंड आज था लेग्स, और कल का क्या प्लान है आई डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि मुझे पोजिंग सीखना है, भाई ने पोजिंग सिखाया, तो एवरी डे लर्निंग एक्सपीरियंस, और बींग ए पावर लिफ्टर बॉडी बिल्डिंग करना थोड़ा मुश्किल है, पोजिंग बहुत बहुत टफ है, तो वो देखते हैं कहाँ तक हम लोग अपने आप को अच्छा कर पाते हैं 17-18 दिन में। मुझे पता है कि मैं उतना परफेक्शन नहीं कर पाऊँगा जो एथलीट 2-3 साल से प्रेप कर रहे हैं, बट अपना बेस्ट देने का है तो दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय बाय।